भारत का नाम हमेशा से ही विवादों में रहा है, क्या था, क्या है और क्या रहेगा। आज इसी पर चर्चा करते हुए हम ऐसे तथ्यों को जानेंगे जो आपने पहले ना कभी पढ़े होंगे ना कभी सुने होंगे। आर्यवर्त, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिंदुस्तान, अल हिंद, गयागर, फग्यूल, तियांझू, होंडू, इंडिया आदि, इनमें से कुछ नाम आपने सुने होंगे और कुछ नहीं सुने होंगे। हिंद महासागर से हिमालय तक फैले इस महान सांस्कृतिक विरासत वाले भूखंड को आदिकाल से वर्तमान तक विभिन्न नामों से जाना गया है। इसमें चार नाम सर्वाधिक प्रमुख रहे हैं। प्रथम आर्यवर्त, अफगानिस्तान में स्थित कुबा नदी से गंगा नदी के मध्य के क्षेत्र को प्राचीन काल से ही आर्यवर्त के नाम से जाना जाता है। महाभारत काल में हस्तिनापुर के चंद्रवंशी राजा दुष्यंत के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर दूसरा नाम भारतवर्ष पुरातन काल से ही प्रचलित रहा है। भारतवर्ष का पुराणों के साथ साथ यजुर्वेद में भी वर्णन मिलता है। भारत का तीसरा प्रसिद्ध नामकरण मुस्लिम अरब आक्रमण से जुड़ा है। जब अरब आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया तो उनको सिंधु शब्द के बोलने में, उच्चारण करने में तकलीफ होती थी, तो उन्होंने इस क्षेत्र के लोगों को हिंदू कहना प्रारंभ किया और इस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहना प्रारंभ किया। और चौथा नाम इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन से जुड़ा है। यूरोपियंस सिंधुमन में इंडस कहते हैं और इंडस में संशोधित होते होते इंडिया नाम प्रचलित हो गया। 18 सितंबर 1949 को हरि विष्णु कामत ने संविधान सभा में देश का नामकरण इंडिया अर्थात भारत के स्थान पर सिर्फ अकेला भारत करने हेतु प्रस्ताव पेश किया था, जो समर्थन न प्राप्त होने के कारण वोटिंग में गिर गया। वर्तमान में संविधान के आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज भारत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, साथ ही साथ प्रस्तावना में भी हम भारत के लोग लिखा हुआ है। मेरा भारत महान, इंकलाब जिंदाबाद, आई लव माई इंडिया जैसे इंकलाबी नारों के बीच वर्तमान में विवाद की वजह है G20 में राष्ट्रपति द्वारा भोज निमंत्रण के लिए भेजे गए पत्र से है, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के स्थान पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। इसके कारण एक वर्ग को लगने लगा है कि मेरे देश का नाम ही बदल दिया गया है। वैसे विश्व इतिहास के झरोके में देखें तो अभी तक बहुत सारे देशों के नामों में परिवर्तन किया गया है, जैसे होलैंड को नीदरलैंड, रोडेशिया को जिम्बाब्वे, पर्शिया को ईरान, सिलोन का श्रीलंका, मलाया का मलेशिया, मेसोपोटामिया का इराक आदि नामों में परिवर्तन समय के साथ साथ होता रहा है। पर इन सब पर सरकार ने साथ ही सफाई भी दे दी है कि उसका नाम बदलने का कोई इरादा नहीं है और ना ही वह संविधान के आर्टिकल 1 में कोई बदलाव करने जा रही है। प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि शेक्सपियर ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, अगर हम गुलाब को कुछ और भी कहें तो भी उसकी सुगंध कम नहीं होती। ऐसे देश की जनता की राय में देश की जनता देश के किस नाम से सर्वाधिक प्रेम करती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।